तो प्रदेश में भाजपा सरकार लगातार वादे करते रहती है, जिसके चलते भाजपा यूं में सिर्फ वादे करना और आम जनता को मूर्ख बनाना ही रह गया है। ऐसा हम नहीं कहते, वरन सिवनी जिले के बरघाट विधानसभा के विधायक, जो क्षेत्र में नॉट रिचेबल के नाम से मशहूर है, कमल मर्सकोले बरघाट ने कर दिखाया। मामला बरघाट विधानसभा के कुरई जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत धुबिटोला माल का है। यह ग्राम पंचायत चारों तरफ से नाले से घिरी हुई है, जिस कारण बारिश के चार महीने ग्रामीण कैद हो जाते हैं। ग्राम पंचायत धुबिटोला माल पर विधायक कमल मर्सकोले बरघाट द्वारा ग्रामीणों को नाले के ऊपर पुल बनाने का आश्वासन देते हैं, पर वादा पूरा नहीं करते। ग्रामीणों द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर अपनी समस्या का निवारण करने की गुहार लगाई। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के द्वारा करीबन 45 लाख रुपए की पुल स्वीकृति ली थी। परसों बीत गए पर उन ग्रामीणों को पुल नसीब नहीं हुआ। चुनाव के नजदीक आते देख विधायक कमल मर्सकोले बरघाट विधायक ने पुल तो नहीं वरन उस नाले के ऊपर रिप्टा बनाने के लिए 15 लाख रुपए का रिप्टा मनरेगा से स्वीकृत करवाया। जनपद पंचायत कुरई के इंजीनियर रिप्टा का लेआउट डालने के लिए मौके पर पहुंचे तो पूरा गांव रिप्टे का विरोध करने लगा। अधिकारियों ने जब देखा कि उस नाले पर रिप्टा बनाना का कोई औचित्य नहीं है, जहां रिप्टा की जगह पुल बनना चाहिए, सवाल यह खड़ा होता है कि बरघाट विधायक ने ग्रामीणों से वादे क्यों किए, आखिर क्यों सपने दिखाए। अब ग्रामीणों में भाजपा को लेकर विरोध की लहर चल पड़ी है और चुनाव के बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। हमारे यहां पर ये 15 लाख का जो रिप्टा दिया जा रहा है, यहां से अधिकतर बच्चे लोग कटंगी क्षेत्र में पढ़ने जाते हैं बालाघाट जिले में, तो यहां पानी भरा हुआ रहता है और यहां 15 लाख का रिप्टे के कारण यहां से दिक्कत बनेगी हम लोगों को। पहले भी यहां पर पुल दिया गया था, उसमें एक बालक फंस गया था बच्चे, जिसे हम बाहर निकाले और यहां पर 15 लाख का पुलिया सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि यहां पर बड़ा पुल बना दिया जाए, जिससे हम लोगों को आने जाने में आसानी। मैं ये चाहता हूं कि यहां 15 लाख का जो रिप्टा दिए हैं ये हमें मान्य नहीं है और यहाँ बहुत जनता परेशान होती है क्योंकि यहाँ पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। इसके पहले सर विधायक जी ने घोषणा किए थे कि यहाँ पुल बना दूंगा, मगर पुल भी नहीं बनाए। इसके पहले थोड़े दिन पहले उनने 45 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, वो लेटर रखा हुआ है। इसके बाद अभी जो 15 लाख का ये रफ्ता का दे दिए, तो ये हमको यानी बेवकूफ़ समझ रहे हैं सर। विधायक सांसद हम कलेक्टर तक शिकायत किए सर, मगर कोई सुनवाई नहीं। सिवनी से संजीव क्रिडिया की रिपोर्ट।